मानते हैं कि घर के चिराग ने ही पूरे झारखंड बिहार में चिराग को बुझाया है। पार्टी में कार्यकर्ता जुड़े तो क्यों जुड़े, आपके पार्टी में क्यों जुड़े लोग झंडा ढोने के लिए? आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक ऐसे नौजवान को आज जिला अध्यक्ष बना दिया जो राजनीति में नहीं थे। तो पारस गुट के आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपको नहीं लगता कि झारखंड में आपको नई टीम बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? सर ये कैसा सम्मान है, रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे आपको हर पद से सुशोभित किया, रामविलास जी चले गए तो आपके ने उनके पुत्र को छोड़ दिया, और आप समय जब चुनाव आए तो आप अलायंस कर अपने सीटों को बेच दिया करते हैं। लड़ेंगे कि नहीं 24 में आप लोग? 24 क्या लगता है कि झारखंड में कितनी सीटों पर आप मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं? लेकिन चेहरा एक है जिसका नाम है रामविलास पासवान, गुट जरूर दो हो गए हैं। झारखंड में राजनीति हर वक्त एक नई करवट ले रही है, लेकिन फिलहाल बोकारो में हूँ और बोकारो की बातें आपको बताने के लिए आया हूँ। आज बोकारो की राजनीति के लिए एक नयापन है, एक ऐसे नौजवान को जो कल तक बिजनेसमैन था आज राजनीति में प्रवेश करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं करुण कुमार उर्फ राजकुमार सिंह की, जिसे आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और जिला अध्यक्ष बनाने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज जी बोकारो आए हैं, जिन्होंने उन्हें पत्र भी दिया है और उनका गुलदस्ता देकर स्वागत भी किया, और उन्होंने विश्वास जताया है कि जो राजकुमार सिंह हैं वो पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए खुद राजकुमार राज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे साथ बात करने के लिए है। राजकुमार जी आपका स्वागत है। डीप धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बोकारो आगमन हुआ है आपका, बोकारो की धरती पर आपका स्वागत है। आपने एक बड़ा डिसीजन लिया है, एक ऐसे नौजवान को आज जिला अध्यक्ष बना दिया जो राजनीति में नहीं थे, तो क्या लगता है, क्या सोच है इसके पीछे आप? नहीं देखिए, राजनीति अभी सामर्थ्यवान लोगों के हाथों में चली गई है, और जब तक सामर्थ्यवान व्यक्ति को हम पार्टी से नहीं जोड़ेंगे पार्टी को बढ़ा नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है, कटु सच्चाई है। और इसलिए हमने राजकुमार सिंह जो करुण कुमार हैं उनको हमने चयनित किया कि वो हमारे जो गरीब कार्यकर्ता हैं उनको साथ लेके पार्टी को आगे ले जाएंगे और पार्टी के बड़े कार्यक्रमों को कराने में वो सक्षम हैं। और हम समझते हैं कि राजकुमार सिंह जी का सामाजिक परिवेश में बहुत अच्छा पकड़ है, तो उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। अच्छा, ये जो गुट है ये पशुपति पारस जी का गुट है, कहा जाता है कि अब जो LJP थी वो दो भागों में बट गई है, पारस गुट और चिराग गुट। तो पारस गुट के आप नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आपको नहीं लगता कि झारखंड में आपको नई टीम बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये ऐसा है कि हम लोग की मूल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, और पिछले 35 सालों से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मेरा संबंध रहा है, और मेरे जीवन के रोम रोम में अंग अंग में उनका जो है एहसान भरा हुआ है। जब भी वो रहे बिना हमसे पूछे जो है भारत सरकार के विभिन्न समितियों में हमको रखा। आज बोकारो जहाँ पर हम हैं, बोकारो में जो है लगातार फ्रीक्वेंट हमारा मूवमेंट होता था, और यहाँ पर काफ़ी लोगों को हम लोगों ने जो है रोजगार से जोड़ने का भी काम किया था रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से। अब रही राजनीतिक विरासत की बात, तो लोक जनशक्ति पार्टी थी, रामविलास जी थे, और रामविलास जी के रहते रहते कहीं कोई विवाद भी नहीं हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव जो बिहार में हुई तो उस बिहार में तमाम सांसद जो आदरणीय चिराग पासवान के अलावा जो 5 सांसद हैं हमारी पार्टी के, जिसमें श्री पशुपति कुमार पारस, श्री चंदन कुमार, श्री महबूल अली कैसर, श्रीमती वीना देवी और चंदन कुमार, और हमारे पार्टी के वरीय नेता सूरजवान सिंह वगैरह सारे लोग जो है चाहते थे कि NDA फोल्डर में हम लोग रहकर चुनाव लड़े। और कार्यकर्ताओं को यही चाह, हम राष्ट्रीय महासचिव थे मूल पार्टी के भी और बाद में संगठन बनने के बाद भी, तो सब लोगों की इच्छा थी कि पार्टी को जो है सब लोग मिलके NDA के साथ लड़े। पासवान जी सब दिन NDA के साथ रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और हम इसलिए सब लोग हैं। लेकिन अकेले लड़ गए चिराग जी, उनका आदर आज भी है, हम लोगों के सम्मान आज भी है, वो रामविलास पासवान के पुत्र हैं। अच्छा सर, ये कैसा सम्मान है, रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे आपको हर पद से सुशोभित किया, रामविलास जी चले गए तो आपके ने उनके पुत्र को छोड़ दिया, तो ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी दिख नहीं रही है?
नहीं नहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। चिराग जी जो है अकेले चढ़ने का निर्णय किया, और अभी जो ज़माना है वो अकेले चलने का नहीं है। हम लोग जो 5 सांसद और राष्ट्रीय पदाधिकारी और तमाम प्रदेशों के अध्यक्ष करीब करीब सबको सहमत हैं कि अकेले चल के न पार्टी का विकास हो सकता है और न ही हम जनता के जन संघर्षों को अमली जमा पहना सकेंगे, और NDA एक बहुत बड़ा समूह है। अच्छा सर, बिहार पे आता हूँ, झारखंड पे थोड़ा आता हूँ, क्योंकि आप झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप में काफ़ी जोश अभी दिख रहा है। आप किसी प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाता है उसमें काफ़ी जोश होता है और वो पूरे झारखंड में घूमते हैं और इसी तरह जिला अध्यक्ष का चयन भी करते हैं, लेकिन पार्टी का सहयोग नहीं मिल पाता है, उसके बाद जिला प्रदेश अध्यक्ष भी ठंडा जाते हैं और जिला अध्यक्ष भी ठंडा जाते हैं। नहीं, इसके ठीक पलट श्री पशुपति कुमार पारस हैं। अभी आपको कुछ दिनों के बाद, जैसे हमारा संगठन 12-13 जिलों में अभी हो गया विस्तार, पुरानी कमेटी को हमने भंग कर दिया, नई कमेटी का हम दुमका में, साहेबगंज में, पाकुड़ में, गिरिडीह में, आज बोकारो में हमने कर दिया, इसी तरह अनवरत हमारा जो है रामगढ़ में, सब जगह हम कर रहे हैं। और उसके बाद अभी एक प्रदेश का सम्मेलन हम करने जा रहे हैं रांची में, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का आगमन होगा और बहुत बृहत्तम प्रोग्राम करेंगे, और अनवरत कोशिश मेरी रहेगी कि जो हमारे 5 सांसद हैं उनको विभिन्न जिलों में ले जाएं। और एक चीज़ और, जब भी मेरी बात होती है राजनीति करने वाले लोगों से, खासकर LGP के लोगों से, तो वो अपना दर्द बताते हैं, तो ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि LGP जो आपकी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, पशुपति पारस गुट के आप हैं, तो आप हमें यह बताएं कि जब रामविलास पासवान थे तो वो झारखंड में चुनाव प्रचार में आया करते थे, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया आया करते थे, लेकिन जब चुनाव की बात आया करती थी तो वो तमाम कार्यकर्ताओं को इस जगह पर उन्हें गौन कर दिया करते थे। तो पार्टी में कार्यकर्ता जुड़े तो क्यों जुड़े, आपके पार्टी में क्यों जुड़े लोग, झंडा ढोने के लिए? और आप समय जब चुनाव आए तो आप अलायंस कर अपने सीटों को बेच दिया करते हैं। ऐसा है कि झारखंड में निर्माण के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण और झारखंड का निर्माण साथ साथ हुआ, और हम लोगों का जितना झारखंड के निर्माण का जितना साल हुआ उतना ही लोक जनशक्ति पार्टी के निर्माण का हुआ। और झारखंड में प्रारंभिक दौर में हम लोगों ने श्री सुदेश महतो जी की पार्टी से समझौता किया था और बहुत सारे सीटों पर हम लोग लड़े थे, सफलता नहीं मिल पाई। उसके बाद से फिर हम लोग NDA के फोल्डर हो गए, NDA के पार्ट हो गए, और हम लोग जो है एक सीट शिकारी पाड़ा हम लोगों को मिला था जो बहुत कम वोटों से हम लोग हारे। और पिछली विधानसभा चुनाव में श्री चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय हो गए थे, और उस समय हम लोग NDA से श्री रघुवर दास जी उस समय मुख्यमंत्री थे, हम लोग की करीब करीब बात बन गई थी, लेकिन सीटों के बंटवारे में अधिक सीट चिराग जी चाहते थे और वो नहीं हो पाया, तो चिराग जी ने अकेले निर्णय लिया लड़ने का, जिसके कारण जो है सब जगह हम लोग लड़े लेकिन आशातीत सफलता कहीं नहीं मिल पाई, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं आप मानते हैं कि घर के चिराग ने ही पूरे झारखंड बिहार में चिराग को बुझाया है, बिहार में भी गलत डिसीजन लिया, झारखंड में भी गलत डिसीजन लिया? नहीं, राजनैतिक रूप से जो है जो परिपक्वता के साथ, वैसे मैं उनके परिपक्वता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता हूं क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2-2 बार हो गए रामविलास जी के साथ रह के, लेकिन वर्तमान समय की मांग को उन्होंने नहीं समझा। अगर झारखंड में भी 2 सीट अगर हम लोग समझौता कर लिए रहते तो आज 2 MLA कम से कम रहते। अगर हम 50 सीट मांग लें और 1 सीट भी नहीं, उस लायक पार्टी नहीं है, जो वास्तविक बात है कि हमारा संगठन जितना रहेगा उसी के अनुसार से हमको पार्टिसिपेशन मिलेगा। तो झारखंड में जो मेरा संगठन है, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का हम संगठन मजबूत कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, हमारे BJP के प्रदेश अध्यक्ष और आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष से बात हुई है, उनके सांसद हमारे गिरिडीह से सांसद हैं, उनसे मेरी बात हो रही है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं 24 में आप लोग? 24 में निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे और NDA के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको उस लायक नहीं समझा तब? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लगातार हम लोग संपर्क में, मेरे केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं प्रदेश के अध्यक्ष से, आदरणीय बाबूलाल मारांडी जी। क्या लगता है कि झारखंड में कितनी सीटों पर आप मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, अभी तो हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, अभी छोटी मुंह बड़ी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरा संगठन तैयार हो जाएगा और सारा जमीनी हकीकत के आधार पर हम सीटों की मांग करेंगे।
सुना आपने ये राजकुमार राज हैं जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमांशु जी अभी हमारा निर्माण कार्य चल रहा है, जब निर्माण कार्य समाप्त हो जाएगा तो हम उचित प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन चेहरा एक है जिसका नाम है राम विलास पासवान, गुट जरूर दो हो गए हैं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि चेहरा जो राम विलास पासवान है उनके असली वंशज कौन है और जनता किस पे मोहर लगाएगी, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरामैन धुरंधर के साथ जीपी हिमांशु, हंस रंसी होटल, बोकारो।